हेलो एवरीवन सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे बिहार पीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका इकोनॉमी पार्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीपीएससी मेंस में फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैं दो जीएस पेपर हैं जीएस एस वन एंड जीएस एस टू जी वन में है हिस्ट्री करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स जी की अगर हम बात करें तो उसमें है पॉलिटी इकोनॉमी एंड साइंस एंड टैक तो यहाँ पर हम इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाले सेक्शन की बात करने वाले हैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन के अगर सिलेबस की बात करें सो so बी ने कुछ ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं दिया हुआ है सिलेबस में दिया हुआ है इन द pertaining टू द इंडियन economy एंड geography ऑफ इंडिया questions विल बी पुट ऑन द प्लानिंग इन इंडिया एंड द फिजिकल इकोनॉमिक एंड सोशल geography ऑफ इंडिया एंड बिहार सो सिलेबस में कुछ ज़्यादा इनडेप बातें नहीं बताई गई हैं सिर्फ एक लाइन का सिलेबस दिया हुआ है कि बिहार और इंडिया की प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन फिर भी पी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कुछ कोर थीम्स जहाँ से, से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट में हम उन्हीं कोर थीम्स को कवर करने वाले हैं हर एक थीम में क्या क्या पॉसिबल सिनारी बन सकते हैं क्या क्या सब थीम्स बन सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है वो है एग्रीकल्चर ए बिकॉज बिहार में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सो so बिहार की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एग्रीकल्चर बी बिहार में अभी भी एग्रीकल्चर है वो मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है सो so उस पर्सपेक्टिव से भी एग्रीकल्चर का जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना एग्रीकल्चर के अंदर सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें सो so ये फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जैसे एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है और सिंस इंडिपेंडेंस ये कंट्रीब्यूशन कैसे चेंज हुआ है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इनटू जीडीपी सो हम वो एनालाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है या कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ है उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर के क्या फीचर्स हैं क्या करेक्ट्रिस्टिक्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें सो तो अभी जो मेजोरिटी क्रॉप्स उगाई जाती हैं दे आर फूड क्रॉप्स सो कैश क्रॉप के कंपैरिजन में फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन ज़्यादा है और अगर हम फूड क्रॉप के कल्टीवेशन की बात करें तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा उगाई जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल राइस वीट सो उसी तरीके से हम कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करने वाले हैं कि यहाँ पर इंडिया में एग्रीकल्चर है उसके मेन फीचर्स क्या हैं किस टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे एक कॉमन करेक्टरिस्टिक्स है मॉनसून डिपेंडेंसी कि अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी और जो एंटायर एग्रीकल्चर है उसमें अच्छा प्रोडक्शन होगा और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन भी कम होगा बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्शन कम होगा तो उससे प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगे और महंगाई आएगी सो so, ये फीचर्स हम बात करने वाले हैं इसके बाद किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर हैं वो इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है उसी तरीके से बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है ये सब हम कवर करने वाले हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करें लैंड रिलेटेड इश्यूज़ जैसे फॉर एग्जांपल लैंड फ्रेगमेंटेशन यानी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हो गए हैं और इसी वजह से प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जमीन के टुकड़े सो एंसेस्ट्रल लैंड है जो पुस्तैनी ज़मीन है वो डिवाइड हो गई है और इसीलिए लैंड फ्रेगमेंटेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल अगर मैं बिहार की बात करूं तो 97 परसेंट फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं स्मॉल एंड मार्जिनल का मतलब है लेस देन टू हेक्टेयर लैंड सो नाइन्टी फार्मर्स के पास लेस देन टू हेक्टेयर ऑफ लैंड है सो बाई डिफ़ॉल्ट जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो कम होगा और प्रोडक्टिविटी है वो हेम्पर होगी प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन होने वाला है उसके बाद वाटर रिलेटेड इश्यूज एक इशू जैसे अभी हमने बात की कि मॉनसून डिपेंडेंसी है उसके अलावा हमने बात की कि किस कि तरीके से वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं फॉर एग्जांपल राइस फॉर एग्जांपल सुगर केन सो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जाती हैं इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडिया की सो इंडिया इज़ नेट एक्सपोर्टर नेट एक्सपोर्टर ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यानी जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है हम उन्हें उगाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं जिन फसलों को कम पानी चाहिए होता है हम वो फसलें नहीं उगा रहे हैं इनफैक्ट वो फ़सलें हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं सो so, इस चीज़ को वर्चुअल वाटर बोला गया है सो so, हम बात करेंगे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ उसके बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज़ कि किस तरीके से फार्मर्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है और इसकी जगह पर उनको मनी लैंडर्स से लोन लेना पड़ता है और जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और कई बार ये डेट ट्रैप ही उनके सुसाइड का एक मेजर कारण होता है इसके अलावा सोयल रिलेटेड इश्यूज़ की रिपीटेटिव क्रॉपिंग पैटर्न सेम क्रॉपिंग पैटर्न की वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है और एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से भी सॉयल फर्टिलिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है उसके साथ साथ फार्म मैकेनाइजेशन यानी कि किस लेवल तक का मैकेनाइजेशन हुआ है और मैकेनाइजेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं क्यों इंडिया में मैकेनाइजेशन लेवल है वो कम है बिहार में मैकेनाइजेशन लेवल कितना है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ये सब इसमें कवर होगा उसके बाद मार्केट रिलेटेड एस्पेक्ट्स की हम बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केट क्या है इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं इससे रिलेटेड इश्यूज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात भी कवर करेंगे और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स की भी बात की जाएगी इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यानी कि हमारा एग्रीकल्चरल आइटम्स से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उसके कंटेक्स में हमारा पॉलिसी क्या है क्या हमारे टारगेट्स हैं उसके साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन डाइवर्सिफ़िकेशन का मतलब है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाना ताकि सेम टाइप का क्रॉपिंग पैटर्न ना रहे सो क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन के रिक्वायरमेंट है? क्यों हैं क्यों हमें क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन पर ध्यान देना चाहिए और अब तक बिहार में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन अगर बिहार बजट की बात करें तो चार इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई हैं बिहार बजट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप क्रॉप डाइवर्सिफ़िकेशन मिशन बिहार पल्स एंड ओवल सीड्स मिशन सो ये मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो बजट में भी अनाउंस किए गए हैं और जिनको बार बार फोकस किया गया है ताकि एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन है बिहार में वो इम्प्रूव हो सके इसके अलावा 2016 में सरकार ने एक अशोक दलवाई कमेटी का भी गठन किया था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स की जो इनकम है फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल किया जा सके सो so, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए इस कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने मल्टीपल रिकमेंडेशंस दी थी जैसे हमें कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या फिर हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप्स हैं उनको उगाना चाहिए फॉर एग्जांपल हमें मिलेट्स मिलेट्स पर ध्यान देना चाहिए तो इसीलिए दो को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया इंडिया के प्रपोजल पर और मिलेट्स को मिरेकल क्रॉप भी बोला गया है क्योंकि ये हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं और इसीलिए इनको मिरेकल क्रॉप बोला गया है इनके अंदर न्यूट्रिएंट इन्फॉर्मेशन है न्यूट्रिएंट जो कंपोजिशन है वो भी ज़्यादा है ओके okay. उसके अलावा भी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कुछ और आ, सब थीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है सो so, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं फॉर एग्जांपल बिहार सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉरिडोर स्कीम अनाउंस की थी जिसके थ्रू जो रिवर गंगा है उसके थ्रू थर्टीन डिस्ट्रिक्ट कवर हैं रिवर गंगा के अलोंग उसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है क्या इसका इम्पैक्ट हुआ था और किन एरियाज़ में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था और किन एरियाज़ में इसका इम्पैक्ट नहीं था फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका मेजरली इम्पैक्ट हुआ था पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में सो so, बिहार में क्यों नहीं हुआ इसका इम्पैक्ट इवन दो बिहार के पास एक फर्टाइल लैंड है मैन पावर है सो so, वो सब इश्यूज़ हम इसमें कवर करेंगे उसके अलावा जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं ताकि जो एरियाज़ फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में बाहर थे यानी कि जिन पर उतना असर नहीं हुआ उनको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन में कैसे कवर किया जाए उसके अलावा फ़ूड प्रोसेसिंग रिलेटेड क्या क्या ऑप्शनस हैं स्टेट में क्या क्या इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती हैं फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड उसके साथ साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स uh, लिए गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं इनका अप्रूवल प्रोसेस क्या है क्या क्या इनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं फॉर एग्जांपल रिसेंटली डी एम यानी मस्टर्ड गाइक जी एम वेराइटी है उसको अप्रूवल दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने सो so, जी क्या है सो so, ये सब स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको कवर करने हैं उसके बाद अगर हम बात करें जी एम क्रॉप के बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सो दो हज़ार तेईस को मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर बोला गया है मिलेट्स के बारे में ख़ास चीज़ें क्या हैं मिलेट्स की आ, की फ़ीचर्स uh, क्या हैं जैसे कि मिलेट्स को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उगाया जा सकता है मिलेट्स में उतना जो न्यूट्रिएंट होता है वो भी नॉर्मल कम फूड ग्रेन से उनसे ज़्यादा होता है सो so, इस तरीके से आ, मिलेट्स का कंपोजिशन है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने मिलेट्स को श्री अन्न का स्टेटस भी दिया है इसके साथ साथ एम यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं क्या क्या उसके एडवांटेज हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हैं क्या क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए इनफैक्ट शांता कुमार कमेटी का एम पर क्या स्टेटस है ये सब चीज़ें एम में कवर होनी हैं उसके अलावा सीड रिलेटेड इश्यूज क्या हैं फ़र्टिलाइज़र रिलेटेड इश्यूज क्या हैं फ़ॉर एग्जांपल सरकार ने फर्टिलाइजर के कंटेक्स में वन नेशन वन फर्टिलाइज़र इनिशिएटिव अनाउंस किया है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ़र्टिलाइज़र रिलेटेड जो भी मिसकनफ्यूज़न था इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उसको कैसे दूर किया जाए उसके अलावा गोल्ड यूरिया नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया की बात की गई है नीम कोटेड यूरिया की बात की गई है सो so, इन सब इनिशिएटिव्स के बारे में आपको ध्यान से कवर करना है इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज क्या है और उसका क्लाइमेट चेंज का बिहार में एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है ओवरऑल एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट होगा फार्मर्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होगा इसके साथ साथ बिहार की शुगर केन इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वन नेशन वन नेशन के कंटेक्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट किया गया है जिसका इनिशिएटिव का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सो बिहार में किन प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दी गई है और उन प्रोडक्ट्स का बिहार में क्या प्रोस्पेक्टस है कैसे हम उन प्रोडक्ट्स के सामने जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं इसके अलावा एल यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 की जो रिफ़ॉर्म्स थी उनका एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट हुआ और एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ और किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ एल रिफॉर्म्स उसके बाद सरकार ने नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल अनाउंस किया है ऑयल पाम के कंटेक्स्ट में क्योंकि ऑयल पाम का जो इम्पोर्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट है और सरकार ने उसी इम्पोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करते हुए ये मिशन अनाउंस किया है तो सब्सिक्वेंटली बिहार में भी ऑयल पाम का क्या प्रोस्पेक्टस है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में कवर होनी है उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स क्या हैं कि 19 15 से 1991 तक आ, क्या प्रोडक्शन ट्रेंड्स रहे हैं और फिर उसके बाद एल रिफॉर्म्स के बाद क्या प्रोडक्शन ट्रेंड्स रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एल रिफ़ॉर्म्स के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ और जो सरकार है उसका मेन फोकस शिफ्ट हो गया टूअर्स सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर सो प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर है जिसको एल रिफॉर्म्स तक काफ़ी प्रायोरिटी मिली लेकिन उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो शिफ्ट हो गई सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर की तरफ उसके बाद सरकार ने बाकी अलग अलग सेक्टर्स उनके लिए क्या क्या स्टेप लिए हैं वो हमने कवर करने हैं सो so, ये था एग्रीकल्चर उसके बाद हम बात करेंगे एमएसएमई सेक्टर की कि एमएसएमई सेक्टर क्या है क्या एमएसएमई का प्रोस्पेक्टस है बिहार में सो एम एस की अगर हम बात करें ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रिसेंटली इसका डेफिनेशन चेंज हुआ तो क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं उसके बाद एम का इंपोर्टेंस क्या है कि जी में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एक्सपोर्ट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एम्प्लॉयमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है उसके अलावा बिहार में अगर एम की बात करें तो बिहार में एम का क्या स्टेटस है क्या क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोविड की वजह से एम सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और एम का बिहार में क्या प्रेजेंट में स्टेटस है ये सब हम एम सेक्टर में पढ़ेंगे उसके बाद अगर हम बात करें पॉवर्टी की सो पॉवर्टी रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल पॉवर्टी क्या है पॉवर्टी का क्लासिफिकेशन जैसे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है रिलेटिव पॉवर्टी क्या है पॉवर्टी का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं क्या क्या uh, तरीके से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ तेंदुलकर कमेटी तेंदुलकर कमेटी और उसके एस्टिमेशन के हिसाब से अभी पॉवर्टी का लेवल क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं और पॉवर्टी इरेडिकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच क्या कनेक्शन है और डिफरेंट जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हैं क्या उनमें मेजर इशू हैं उसके अलावा जहाँ जहाँ पर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुए हैं वहाँ पर वहाँ पर इनका कितना आ, प्रोस्पेक्टस है वो सब उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है और पॉवर्टी इन बिहार में क्या सिचुएशन है यानी कि बिहार में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है बिहार सरकार ने अभी तक क्या क्या स्टेप लिए हैं और क्या नए स्टेप्स लिए जाने चाहिए ये सब पॉवर्टी रिलेटेड डायमेंशनस में कवर किए जाएंगे नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फैक्टर्स सो अनए्लॉयमेंट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बीच कनेक्शन क्या है डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो क्या है और अनएम्प्लॉयमेंट के कोजेज़ क्या हैं बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है और सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं क्या क्या नई पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं उसके अलावा आ, किस तरीके से एग्रीकल्चर एंड डिज़ाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे सेगमेंट्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में कवर होने हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो रीसेंट कुछ ईयर्स में बिहार सरकार ने आ, बिहार बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं फॉर एग्जांपल बिहार स्टार्टअप पॉलिसी इथेनॉल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसीज़ सो इन सब पॉलिसीज़ के बारे में आपको की फ़ीचर्स पता होने चाहिए कि किस पॉलिसी का मेन फोकस क्या है किस पॉलिसी के अंदर किस टाइप के इनिशिएटिव्स हैं किस टाइप के इंसेंटिव्स हैं वो अनाउंस किए गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्टार्टअप पॉलिसी अनाउंस की गई है तो स्टार्टअप पॉलिसी के पीछे इंटेंशन क्या है कि किस तरीके से बिहार राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सकता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिहार में आएँ उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है एग्रीकल्चर रोड मैप हैं जो रिसेंटली फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है सरकार ने अनाउंस किया है 2023 से 2028. सो so, ये सब इनिशिएटिव्स हैं ये आपको पता होने चाहिए उसके अलावा इथेनॉल सेक्टर के लिए आ, बिहार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं क्या क्या पहल की गई हैं और किस तरीके से इथेनॉल प्रोडक्शन में बिहार के सामने चैलेंजेस हैं वो सब इसमें कवर होने हैं उसके बाद अगर हम बात करें फ़ूड सिक्योरिटी की सो फूड सिक्योरिटी क्या है क्या क्या फूड सिक्योरिटी के सामने चैलेंजेस हैं और अभी भी इतना प्रोडक्शन होने के बाद भी फूड सिक्योरिटी एक मेजर प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश में सो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी यानी कि फ़ूड सिक्योरिटी क्या है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है हंगर और जो पॉवर्टी है फूड सिक्योरिटी उसके बीच में क्या कनेक्शन है हंगर और माल न्यूट्रिशन के बीच क्या कनेक्शन है क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए हैं फूड सिक्योरिटी को दूर करने के लिए उसके बाद फॉर uh, एग्जांपल सरकार ने लैंड रिफ़ॉर्म्स अनाउंस की थी उस टाइम पर आज़ादी के बाद लैंड रिफ़ॉर्म्स अनाउंस की थी ताकि हम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकें उसके अलावा ग्रीन रिवोल्यूशन भी लॉन्च किया गया है तो इन सब इनिशिएटिव्स का क्या क्या इम्पैक्ट है उसके अलावा अगर हम बात करें फूड सिक्योरिटी की तो बिहार के कंटेक्स में क्या पोजीशन है एक एन एफ एस ए है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके इम्प्लीमेंटेशन में बिहार का क्या सिचुएशन है उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फैन रिपोर्ट है फूड एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी का है इस रिपोर्ट ने शो किया है कि बिहार में फ़ूड सिक्योरिटी का क्या स्टेटस है क्या उसके सामने चैलेंजेस हैं और क्यों सरकार अभी तक फ़ूड सिक्योरिटी को इन्श्योर नहीं कर पाई है उसके अलावा अगर हम बात करें सो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिहार का क्या पोजीशन है ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरे देश में क्या पोजीशन है क्यों हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अभी भी बैकवर्ड है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर मेन फोकस था वहाँ से प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्सरी सेक्टर पर शिफ्ट हो गया है और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है वो अभी भी है सो so, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के कारण क्या है फ्रीट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या है इंपोर्ट सब्सटिट्यूशन पॉलिसी क्या है ये सब पॉलिसीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए उसके अलावा डिफरेंट दिफ्रें, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ अनाउंस की गई फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिशर्स के दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस टाइप की थी और इन पॉलिसीज़ की वजह से कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था इंडस्ट्रीज़ थी उनको कैसे ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है बर्बाद कर दिया है उसके बाद अगर हम बात करें सो so, 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसकी मेन फ़ीचर्स क्या थे नाइनटीन की पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या थे उसके अलावा जो हमारा नाइनटीन सिक्सटी नाइन 1980, 85 एंड की पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स क्या थे और किस तरीके से किस तरीके से इन पॉलिसीज़ की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है क्या इन पॉलिसीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है उसके बाद अगर हम बात करें सो so, 1950 यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस से 1991 तक का जो हमारा फ़ेज़ रहा है उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो रहा है और उससे हमारे ट्रेड पर क्या असर पड़ा है उसके बाद एल रिफ़ॉर्म्स के दौरान हमने क्या क्या, -क्या स्टेप्स लिए हैं एलपीजी का जो इंडियन इकोनॉमी है बिहार इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पेक्ट होगा उसके बाद अगर हम बात करें तो सरकार ने कुछ और पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है सो मेक इन इंडिया है आत्मनिर्भर भारत है इन सब पॉलिसी इन सब पॉलिसीज़ का जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके अलावा सरकार ने पी अनाउंस किया है पी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा सरकार उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव देगी उसके अलावा सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान है वो लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है उसके की फ़ीचर्स क्या हैं क्या क्या उसके टारगेट एरियाज़ हैं और बिहार पर उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके अलावा सरकार ने डिफरेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं इसके साथ साथ दो डिफेंस कॉरिडोरस भी अनाउंस किए गए हैं एक तमिलनाडु में होने वाला है एक उत्तर प्रदेश में होने वाला है उसके अलावा जो सरकार है उसने लॉजिस्टिक यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको भी कम करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो भी अनाउंस की है सो ये सब का क्या असर होने वाला है ये सब हम कवर करेंगे उसके अलावा सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस किया है इस पॉलिसी के थ्रू सरकार बिना एसेट बेचे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करेगी उसके अलावा सरकार ने और भी पॉलिसी रिलेटेड इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं उसके साथ साथ हमें कवर करना है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ओवरऑल हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की है तो हम बिहार स्पेसिफिक डायमेंशनस की भी बात करेंगे कि बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है तो क्या उसके कारण हैं और बिहार सरकार ने इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार के क्या क्या कारण हैं कौन कौन सी बिहार में इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन से बिहार में इंडस्ट्रियल रीजनस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गया गुरारू रीजन है सो so, किस तरीके से बिहार के कुछ पैचेज़ हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से नॉर्दर्न बिहार है वो फ्लड प्रोन है और इसीलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है जो साउथ बिहार है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे लेवल का हुआ है कंपैरेटिवली अगर हम नॉर्थ बिहार को देखें और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो कनेक्टेड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होने की वजह से लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन भी काफ़ी कम है अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की सो so, 2011 के सेंसस के हिसाब से लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार वाज 11.3 पॉइंट परसेंट वैल द नेशनल एवरेज वाज रफली 31 परसेंट सो नेशनल एवरेज से लगभग 20 परसेंट कम है हमारा अर्बन पॉपुलेशन दैट इट शोज कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन का लेवल है वो काफ़ी कम है कम्पैरेटिवली सो so, उसके पीछे क्या क्या कारण है उसके बाद अगर हम बात करें सो so, बिहार में यंग पॉपुलेशन है इनफैक्ट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार है वो टॉप पोजिशन पर है ओवरऑल पॉपुलेशन के मामले में बिहार थर्ड पोजिशन पर है सो पॉपुलेशन यंग होने के बाद सरकार के पास एक एडवांटेज है डेमोग्राफिक डिविडेंट जिसको बोलते हैं यानी कि जो हमारे यंग पॉपुलेशन है उससे होने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट के कंटेक्स में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं सो डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या पोटेंशियल है ये कब तक हमारे पास ये एडवांटेज सिचुएशन है और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके कंटेक्स में क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड की सो so, सबसे पहले हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने की ह्यूमन कैपिटल क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है रिप्लेसमेंट रेट क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर एग्जांपल हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए और क्या क्या इनमें बैरियर्स हैं उसके बाद कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके क्या कारण हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड रिलेटेड डेटा आपको पता होना चाहिए कि कब तक हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो है और उस विंडो में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंट के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं और अगर डेमोग्राफिक डिविडेंट का प्रॉपर एडवांटेज नहीं लिया गया है सो इट कैन टर्न इनटू टू डेमोग्राफिक डिज़ास्टर और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है उसके बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं डेमोग्राफिक डिविडेंट का बिहार में क्या प्रोस्पेक्ट है और बिहार क्यों अपना यंग पॉपुलेशन का इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं ले पाया है और अभी तक बिहार है वो एडवांटेज लेने में क्यों पीछे हैं और जो स्किल डेवलपमेंट है उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड की यूटिलाइजेशन में क्या रोल है सो so, ये सब इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं ये आपको कवर करने हैं जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है फॉर एग्जांपल सोसाइटी के मोस्ट वलरेबल सेक्शन पर भी डेवलपमेंट का असर होना चाहिए तो इंक्लूसिव ग्रोथ की नीड क्यों है क्योंकि सोसाइटी में इनिक्वालिटी है और इंडिपेंडेंस से अब तक सोसाइटी में इनक्वालिटी का क्या स्टेटस रहा है सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो सब इसमें कवर होने हैं जैसे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा क्या सिचुएशन था अभी क्या सिचुएशन है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ के एलिमेंट्स क्या क्या हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों नहीं है यानी कि हमारी सोसाइटी में इनक्वालिटी क्यों है और क्यों हम उस इनवालिटी को कम नहीं कर पाए हैं उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं ये सब कवर होने हैं बिहार में इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं और सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें सो डब्लू टी ओ एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सो जी ए डब्ल टी दैट इज़ जनरल अग्रमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है उससे डब्लू टी ओ किस तरीके से इस्टबल्लिशमेंट में आया डब्ल्यू टी ओ के ट्रेड प्रिंसिपल्स क्या हैं डब्लू टी ओ के मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हैं डब्लू टी ओ और इंडिया के कंटेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट ईशूज़ हैं दैट मीन्स इंडिया और डब्ल्यू टी ओ के बीच क्या क्या पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है उसके अलावा डब्लू टी ओ से इन जनरल क्या क्या इशूज़ हैं और इंडिया के पेंडिंग इशूज़ कौन कौन से हैं डब्लू टी ओ में फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए डब्लू टी ओ का जो बॉडी है उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं है इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन क्या है फाइनेंस कमीशन क्या है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्या क्या इशूज़ हैं फाइनेंस कमीशन का जो अलोकेशन है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और क्यों इन क्राइटीरियाज़ पर सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं दे अक्यूज़ की नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को नॉर्थ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को सपोर्ट दी जा रही है यानी कि एक बायसनेस है बिटवीन सदर्न एंड नर्दर्न स्टेट्स सो क्या क्या वो प्राइ, आ, प्राइम क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पर ये एक्यूजेशन है और किस लेवल तक वो एक्वेशन सही है सो so, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हमें कवर करनी है सिलेबस में उसके अलावा प्लानिंग है प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है इनफैक्ट एज़ फार एज़ बी पी एस सी इज़ कंसर्न एग्रीकल्चर प्लानिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लानिंग की बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का सिचुएशन कैसा था क्यों हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी और इकोनॉमिक प्लानिंग किस टाइप की होती हैं क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं कितने टाइप्स की इकोनॉमिक प्लानिंग होती हैं और किस तरीके से इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका इवोल्यूशन हुआ है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमारा जो प्लानिंग था दैट वाज मोर लेस इंपेरेटिव जो कि बाद में इंडिकेटिव प्लानिंग बना है उसके अलावा प्लानिंग से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं क्या क्या प्लानिंग की अचीवमेंट थी क्या क्या प्लानिंग की फेलियर थी फिर कैसे हमने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है विद नीति आयोग सो so, नीति आयोग है वो प्लानिंग में किस तरीके से अलग है इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कमीशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या है डिसट्रलाइज डेवलपमेंट क्या है और डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग का रोल क्या है उसके अलावा रीजनल प्लानिंग क्या है रीजनल प्लानिंग में कितने टाइप के प्लान बनाए जा सकते हैं फ़ाइव ईयर प्लानिंग क्या थी और फ़ाइव ईयर प्लानिंग के क्या क्या सक्सेस थे क्या क्या अचीवमेंट्स थी उसके अलावा फ़ाइव ईयर प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस था इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और 1991 के रिफॉर्म्स के बाद प्लानिंग है उसमें स्टेट और जो सिस्टम है उसका क्या रोल है और किस तरीके से 1991 की रिफ़ॉर्म्स के बाद प्लानिंग है वो चेंज हो चुका है उसके अलावा बिहार में किस टाइप के मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इन मिनरल रिसोर्सेज के बावजूद भी क्यों बिहार एक डेवलप्ड स्टेट नहीं बन पाया है क्या क्या इश्यूज़ हैं और मिनरल्स के कंटेक्स में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने किस तरीके से बिहार के मिनरल्स का एक्सप्लोइटेशन अलाउ किया और उससे बिहार के डेवलपमेंट पर क्या असर हुआ सो so, मिनरल्स के अगर हम बात करें तो मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं बिहार में फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है आयरन और है पायराइट है कोल बक्साइट लाइम स्टोन मैगनीज गैलेना माइका यूरेनियम मोनाजाइट बेरेलीम एस्पेस्टस एंड ग्रेनाइट सो so, इन सब मिनरल्स के होते हुए भी बिहार है वो एक बैकवर्ड स्टेट है क्यों बिहार अपने मिनरल रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाया क्या सरकार से रिलेटेड इशूज़ रहे हैं और कैसे इन ईश्यूज़ को दूर किया जा सकता है ये सब जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं ये आपको बी पी एस सी मेन्स के लिए कवर करने हैं एज़ फार एज़ इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न इसके अलावा जो कुछ करंट रिलेटेड थीम्स हैं वो हमारी मैगजीन में जो मेन्स एनालाइज़र की एक मैगज़ीन है उसमें कवर होंगे सो so, आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट थीम्स कवर करने हैं उसके अलावा करंट से रिलेटेड डायमेंशन्स की अगर हम बात करें करंट तो करंट डायमेंशंस है वो हमारी मेन्स एनालाइज़र मैगजीन में हैं उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे मेंस टेस्ट सीरीज़ की सो आप जितने भी थीम्स हैं उनका रॉकसोलिड नोट्स प्रिपेयर कीजिए और फिर उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम लाइक सरकमस्टांसिस में अपना आंसर लिखें ताकि आपको फ़ील हो एक्चुअल आंसर लिखने में आपको कितना टाइम लगता है क्या आपकी स्पीड होती है किस तरीके का आपका हैंड राइटिंग आता है सो so, उस सब के लिए आप आ, हमारे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम लाइक फीलिंग मिलेगी जिससे आप आ, और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो आपको मेंटर्स से फीडबैक मिलेंगे कि क्या आपके आंसर्स में मेजर इश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स के साथ इशू है कि वो आंसर लिख रहे हैं मतलब एंटायर सीट भर रहे हैं बट जो क्वेश्चन ने पूछा है क्वेश्चन की डिमांड है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसके अलावा कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको इंक्लूड करने चाहिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको इंक्लूड करने चाहिए उसी तरीके से आपको मेंटर्स से फीडबैक मिलेगा डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा सो so आपको आंसर राइटिंग करना है और उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो फुल फुल्लेश एग्जाम लाइक सिचुएशन के लिए एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रिविजन करना है और रिविजन के लिए आपके नोट्स हैं वो क्रिस्प होने चाहिए सो so, इस सेक्शन में हम इतना ही कवर करेंगे उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम कुछ और डायमेंशन को कवर करेंगे थैंक यू